हम चलते हैं डॉक्टर हिना की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तीसरा रोजा आपको मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा देखिए, आप अभी लोगों को ये बताएंगी रेसिपी, लोगों को तो सिखाएंगी। बिल्कुल ठीक है जी जी। एक और हमारे पास मेहमान है जो आपकी रेसिपी सीखने के लिए आई है, और वो है नवाल सईद। नवाल सईद, अगर आप मुनासिब समझें तो डॉक्टर हिना के पास आइए, ताकि इस सेगमेंट में भी आपका हिस्सा शामिल रहे, ताकि पता चले कि आज नवाल सईद आज हमारी एक्सप्रेस की प्यारा रमजान की फैमिली का हिस्सा है। वेलकम। थैंक यू सो मच। और नवाल बिहाइंड द सीन भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और अक्सर हमारी मुलाकात होती है, और इतनी प्यारी शख्सियत हैं ये, जितनी प्यारी स्क्रीन पर लगती हैं ये वैसे भी बहुत प्यारी शख्सियत हैं। माशाल्लाह, और बहुत हेल्दी रहती हूँ नवाल को, वैसे ही किसी और ट्रीटमेंट की या चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती, बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा तो ऐसा है कि आज हम जो बना रहे हैं वो एक ऐसा हेल्दी ड्रिंक है। अक्सर लोगों को ये होता है कि सहरी के वक्त वो ये चाहते हैं, उनको कुछ खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा होता, फिर वो कुछ भी नहीं खाते, बल्कि वो ये सहरी करना सुन्नत है। ये फरमाया गया है कि सहरी के वक्त उठो और खाओ, ताकि अगले दिन तवानाई रहे। तवानाई रहेगी तो हम नेक्स्ट डे अपने जो भी हमारे वर्क चीज़ें हैं हम वो परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन लोग उठते ही नहीं है, जिसकी वजह से उनकी नमाज भी छुट जाती है, वो नमाज भी नहीं पढ़ पाते, ना उनको कुछ खाने का दिल करता है, और फिर वो नेक्स्ट डे उसमें इतनी एनर्जी ही नहीं रहती, वो अपने टास्क नहीं कर सकते। तो ये बहुत इजी सा एक ड्रिंक है जो कि सहरी में भी पी सकते हैं, और इनफैक्ट अफ्तार में भी पी सकते अच्छा। हैं। हाँ तो ये बहुत अब तक दो ड्रिंक जो आपने बनाए थे वो जबरदस्त है, और ये थर्ड ये ऐसा है कि ये भी बहुत इजीली अभी बन जाएगा, क्विकली विद इन 3 मिनट्स ये बन जाएगा। लेकिन इस ड्रिंक को बनाने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि पाम ऑलिव के हैं 5 वेरियंट्स, और आज मैं एक और वेरियंट लाई हूँ जो कि हाइड्रेटिंग ग्लो है। और हाइड्रेटिंग ग्लो में जो दो मेजर इन्ग्रीडियंट हैं वो हैं मेरे पास, इसमें हाइड्रेटिंग ग्लो में जो दो मेजर इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा और ऑलिव ऑयल। अच्छा, एलोवेरा और ऑलिव ऑयल क्या करते हैं, वो दोनों आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, हाइड्रेशन लाते हैं, और इन दोनों को पाम ऑलिव ने कर दिया है इस सोप में लॉक। और मैं करने जा रही हूँ इससे अपने हैंड वॉश, क्योंकि काम करने से पहले अगर हमारे हाथ अच्छी तरीके से धुले हुए हों तो क्या ही बात है, सफाई निस्फ ईमान है। और इसके हैंड वॉश हो जाने के बाद मेरी स्किन हो जाएगी नरिश और ग्लोई, और ज़्यादा सॉफ्ट, और मुझे काम करने में हो जाएगी और आसानी। और टिश्यू पेपर ये रहा मेरे सामने, इससे मैंने कर लिए हाथ साफ, और आ गई अब मैं अपनी रेसिपी की तरफ। बहुत इजी है, देखिए मैं हर रोज़ ये बात करती हूँ कि खूबसूरती अंदर से आती है। हमारे क्लिनिक में जब भी कोई आ जाता है और ये कहता है कि भाई क्विक इलाज कर दें, इतनी सारी न्यूट्रिशनल आईवीज आ रही होती हैं, एनर्जी लो जब फील हो रही होती है, किसी को ट्रैवलिंग पे जाना है तो क्या कहते हैं भाई एनर्जी की कुछ ड्रिप्स लगा दें, आईवीज कर दें, टीके लगा दें, वाइटनिंग ड्रिप्स कर दें, या पिगमेंटेशन हो रही है इसकी, सारी ट्रीटमेंट्स अपनी जगह, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स तो हम करते ही हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं हो सकता। अगर आपने अच्छी ग़िज़ा नहीं खाई तो हम आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे, हम आपको कितने ही सिरम तो हर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप बिल्कुल ग़िज़ा का खास तौर पे ख्याल रखें। बिल्कुल ग़िज़ा का ख्याल रखें, ग़िज़ा आपका फर्स्ट स्टेप है आपका लाइफ स्टाइल। यस एग्जैक्टली, यू आर व्हाट यू ईट। जैसे कि आपने बताया नवाल आपकी दोस्त हैं पहले से, आप तो ये वाली सारी ड्रिंक तैयार कर के इस्तेमाल की भी होंगी इनके साथ। मैं इसमें थोड़ी सी लेजी हो जाती हूं, लेकिन ये मैं सीख रही हूं, तो सीख रही हूं। अच्छा आज ये वाला ड्रिंक ट्राई करोगी घर जाके? जी इजी है, बहुत इजी। आई विल सेंड यू अ पिक्चर। रियली? अच्छा भाई, नवाल तो मुझे पिक्चर शेयर करेंगे, और मैं भी आपको अपनी स्टोरी पे नवाल की सेंड की पिक्चर जरूर शेयर करूंगी, आप लोग देखिएगा। अब तो पक्का हो गया और ये बहुत आसान है, ठीक है नवाल, ये बहुत इजी है। ये देखिए मार्केट में क्या लिया है आपने? ये ओट्स हैं, रेडीमेड ओट्स मिलते हैं, ठीक है। ये देखें, ये 1 कप ओट्स हो गए, आप इसको मार्केट से लें और इसको हल्का सा ना सौते कर भून लें, कुछ नहीं है, खाली पैन में आपने इसको सौते करके ना जार में भर के रख लेना है, पूरा मंथ आपका चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आपने ये 2 टेबलस्पून ले लिए, 2 से 3 टेबलस्पून ले लें। ये ड्रिंक ऐसा है कि आपको पूरा दिन एनर्जी देगा, आपका पेट भरा रहेगा, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने 2 टेबलस्पून कैशू नट्स या कोई भी नट्स आपने 2 से 3 किस्म के डाल देने, ठीक है। अच्छा, जो लोग
लो कैलोरीज लेते हैं, डाइट्स कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी ये फायदेमंद है? बहुत फायदेमंद है। देखिए, जो नट्स में फैट्स होते हैं ना, वो आपको एनर्जी, गुड एनर्जी देते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स में, जो रोटी में, चावल में और शुगर्स में जो कैलोरीज होती है ना, वो अच्छी नहीं होती है आपको। अच्छा, स्क्रीन पर जो डॉक्टर हिना आपको बता रही है, ये स्क्रीन पर रेसिपी आपको लिखी हुई नजर आ रही होगी, आप इसकी जल्द से फोटो बना लीजिए ताकि आपके पास सेफ रहे और आप दोबारा से अपने घर में रोज ड्रिंक बना सकें। बिल्कुल। और इसी तरह ही 5 से 6 अदद आपने बादाम ले ली, किसी भी 3 किस्म का आपने ड्राई फ्रूट लेना है। अच्छा। इसको मीठा करने के लिए आपने किसी चीनी, किसी शक्कर, किसी शहद का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 3 खजूरें डालनी है, आपने सीडलेस कर देना है। 3 खजूरों से ये 1 ग्लास ड्रिंक अच्छी मीठी हो जाएगी, आप 4 भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। शुगर की कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें कोई शहद की भी ज़रूरत नहीं। कैसे हैं सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और किस शहर से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी जी, मेरा नाम सैयद अमारुल हसन नकवी है और मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, कैसे हैं आप अमार भाई? ठीक है जी, मैं फरहान भाई आपका पहले तो बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक ख्वाहिश करना चाहता हूँ मनकबत की जी, ते आप खुरने वहीं पे रख दिया सैमा समेत के। अच्छा, मैं इंशाल्लाह अभी ये कलाम का सेगमेंट आएगा, ये कल भी फरमाइश आई थी और मैं इंशाल्लाह ये ज़रूर कलाम के सेगमेंट में, क्योंकि उस वक्त वक्त नहीं बचा था और हमारे मेहमान भी आए हुए थे, लेकिन ये इस रमज़ान में पढ़ूंगा ज़रूर, ये मेरा वादा है। आज अगर कोशिश करूँगा, आज नहीं तो वरना किसी दिन ज़रूर पढ़ूंगा। ठीक है, आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करें। और कोई सवाल? और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरे फेस में ना पिंपल्स बहुत निकल रहे हैं, दाने वगैरह, तो उनके बारे में। इनके पेट में पिंपल्स निकल रहे हैं, दाने, ठीक है, तो उसके लिए पेट के स्किन के ऊपर निकल रहे हैं, स्किन के ऊपर निकल रहे हैं। जी जी जी, तो उनके बारे में कुछ बता दीजिए। अच्छा अच्छा, आपको कोई किसी चीज से, फूड से एलर्जी तो नहीं है? कुछ खाना खाने के बाद निकलते हैं कि वैसे ही हर रोज हैं? कॉल ड्रॉप हो रही है। अच्छा देखिए, 2-3 वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई ऐसे खाने की कोई अशिया वसी हो सकती हैं कि वो स्पेशली कोई ऐसा खाना होता है कि आपने कुछ खाया और उसके बाद निकलना शुरू हो गए। कभी कभार कोई ऐसा फैब्रिक हो सकता है, आपके अंडरगारमेंट्स कोई ऐसे हो सकते हैं कि उसके टच होने से आपकी बॉडी पर हो सकती हैं। ये 2-3 ऐसी वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी वजह से आपके स्किन के ऊपर, पेट के ऊपर दाने का आ जाना। और तीसरी ये है कि आपने क्लिनिक आना होगा, हमें दिखाना होगा, जब भी हम उसको वजूहात पता कर सकते हैं। ऐसे तो हम ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अमार भाई, आप टिकट कटाइए और ज़रूर कराची आइए, डॉक्टर हिना से मिलिए ताकि आपका ये मसला हल हो सके। हम ऑनलाइन भी देख लेते हैं, हमारी वेबसाइट्स और पेजेस पे ऑनलाइन भी होती हैं कंसल्टेशन। अच्छा, अब क्या किया, 1 कप दूध, 3 टेबल स्पून जो सोते हुए वे ओट्स थे, 2 या 3 किस्म के आपकी मर्जी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स, 3 अदद खजूरें। अब इसमें जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है दारचीनी, 1 चुटकी दारचीनी का पाउडर, सिलोन दारचीनी, जो गोल वाली दारचीनी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है और ईजीली मौजूद होती है, आप घर में भी पाउडर बना सकते हैं और मिल भी जाता है। यह आपने डाला तो यह आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेनटेन रखेगा। जैसे जो इसमें ओट्स डला, इसमें दूध डला और इसमें खजूर डली ना, तो ये उस तमाम ग्लूकोज लेवल को आपकी बॉडी में मेटाबलाइज करने में बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगा। अब आपने कुछ नहीं है, इसको ग्राइंड कर लेना है। नवाल मुझे हेल्प कर रही है, देखें कितनी अच्छी है नवाल। ये इसमें और भी कोई चीज़ डलेंगे? ये रेडी है, रेडी हो चुका है। अब इसमें सिर्फ ये चिया सीड्स डलेंगी जो कि सोक्ड हैं, 1 चम्मच। अब मैं आपको इसकी अफादियत बताऊं, इसकी इतनी अफादियत है कि ये आपको सारा दिन इतनी एनर्जी देगा कि आप समझें कि आपने पूरा पराठा भी खा लिया है। इसकी इसके अंदर इतनी एनर्जी है कि आपने उस एनर्जी में आपने पराठा भी खा लिया, आपने कुछ। अब ये इसमें चिया सीड आप डाल देंगे? हाँ, ये सोक्ड है, ये क्योंकि इस वक्त टाइम थोड़ा सा कम था। चले, अब आप ये एनर्जी लें, हम रूहानी एनर्जी की तरफ जाते हैं।